बच्चे चेक करो ऑडियो वीडियो। हाँ भाई बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने जो टॉपिक किया था, इट वाज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करे। ठीक है, और उम्मीद है आपको क्लैरिटी हो गई होगी। जिनको क्लैरिटी नहीं हुई है, आप उस चीज पॉइंट्स को मार्क कर लो कि कौन कौन से पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम आई है। ठीक है, उनको हम लोग जल्द ही ऑफलाइन बुला के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो रिकॉर्डिंग है बच्चों, उसको बार बार देखो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार कुछ नई चीज सुनने में या समझने में मिलेगी। चीजें तो वही मैंने बोल रखी है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 2 या 3 बार के बाद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही था जब हम +2 +1 में थे। ठीक है, तो हम लोग भी बच्चे जब तक टॉपिक को 3 या 4 बार नहीं पढ़ते थे, हमें उस चीज की डेप्थ में नॉलेज नहीं मिलती थी। अब जैसे आज की बात कर बताऊं मैं, आज भी मैं अगर एक टॉपिक को स्टडी करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हर साल उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा सोचने का लेवल अलग होता है। और ये रियलिटी है, ये फिजिक्स इज विद एप्लीकेशन। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक की, वो आपको विद द टाइम आती है। ऐसे नहीं कि आपने आज पढ़ा और आपको आज ही वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी जो आप एक 35 साल या 40 साल के बंदे से कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपने साथ कंपेयर करूं या आप मुझे अपने साथ कंपेयर करो, तो बेटा हमारी जो गैप है वो 15 से 20 साल का गैप है। ठीक है, तो आपकी जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक टॉपिक को जितनी ज्यादा बार आप लोग देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, उतना आपको उसकी डीपर मीनिंग समझ में आती रहेगी। इसका और कोई हल नहीं है कि भाई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे उसको बार बार देखो, समझने की कोशिश करो और अपने पॉइंट्स को जरूर रिकॉल करो। पॉइंट्स को रिकॉल करने का मतलब ये है कि आप क्या सोच रहे थे पहले जब आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा, और अभी आप क्या सोच रहे हो, यानी कि क्या डिफरेंस आया पहली बार देखने में और दूसरी बार देखने में। तो आपको जो है चीजें अपने आप थोड़ा बहुत क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक बार चीजें क्लिक कर गई बच्चे, फिर आप बोलोगे नहीं लाइफ टाइम। ठीक है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं एक बार फटाफट इसको रिकॉल कर देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम इस वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक करेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, लास्ट टॉपिक। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, वैसे तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और ये आप डिटेल में स्टडी कर ही चुके हो, लेकिन एक बार इसको फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, इससे टॉपिक की क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। देखो बेटा, इंटरफेरेंस में क्या था, हमारे पास कोहरेंट सोर्सेज हुआ करते थे। क्या होते थे बेटा हमारे पास? कोहरेंट सोर्सेज होते थे। कितने? 2 कोहरेंट सोर्सेज थे जिनसे लाइट वेव्स आती थी और उनका सुपर पोजिशन होता था, और सुपर पोजिशन होने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर एक अल्टरनेट ब्राइट डार्क वाला फ्रिंज का पैटर्न दिखाई देता था। इसके अंदर 2 कोहरेंट सोर्सेज होते थे जहां से 2 वेव्स, ये पहला पॉइंट है, जहां से दो वेव सुपर इंपोज करती थी। दो वेव्स क्या करती थी बेटा? सुपर पोजिशन होता था। टू वेव्स सुपर पोजिशन होता था, और सुपर पोजिशन के रिजल्ट के रूप में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती थी स्क्रीन के ऊपर, जो रीजन बनती थी या जो कारण बनती थी कि सेंट्रल स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। यानी कि सोर्सेज 2 थे जो कि कोहरेंट थे। तो कोहरेंट सोर्स से 2 वेव्स निकली, उनका सुपर पोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न बना। यहां क्या था? यहां ऐसा नहीं था। यहां पे हमने 2 स्लिट बनाई थी छोटी छोटी करके, ऐसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक वेव ये चली थी, एक वेव ये चली थी, 2 वेव्स थी, 2 स्लिट थे, इनका सुपर पोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। यहां ऐसा नहीं था, यहां पे एक ही स्लिट थी, यहां पे एक ही स्लिट थी, और उस स्लिट के अंदर, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, उस स्लिट के अंदर एक वेव फ्रंट फंसता है बच्चे आगे, वेव फ्रंट आगे ट्रैप हो जाता है, मैटर बॉडीज ट्रैप।
तो वेव फ्रंट आया, ट्रैप हुआ इसके बीच में, और इस वेव फ्रंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्राइमरी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर न्यू डिस्टर्बेंस। हाइगन्स का पहला पोस्टुलेट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इसकी थ्योरी कुछ अलग है, इसमें सिंगल सोर्स, इसमें डुअल सोर्स, दो वेव्स अलग अलग सोर्सेस से निकली हैं, सोर्स S1, सोर्स S2, दो अलग अलग सोर्सेस से दो वेव निकली, इनका क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस बना। यहां ऐसा नहीं था, यहां पे हमने इस स्लिट में जो ये वेव फ्रंट फंसा हुआ है इसको ऑड या इवन पार्ट्स में बांटा। जब हमने इवन पार्ट्स में बांटा लाइक इस तरह से, ये ए बाय टू, ये ए बाय टू, एक बार रिकॉल कर रहा हूं, बिकॉज बच्चों में प्रॉब्लम रहती है इस थ्योरी को लेकर। इसको इवन पार्ट में जब हम बांटते हैं बच्चे, तो इवन पार्ट में ये होता है कि अपर हाफ में एक ऐसा पॉइंट होता है ये वाला, जिसके लिए लोअर हाफ में भी एक पॉइंट अल्टरनेट होगा, जहां से चलने वाले वेव्स का क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है। यानी कि इसमें एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्सों से वेवलेट बनती है। यहां से वेवलेट चली ऐसे, यहां से वेवलेट चलेगी ऐसे, राइट, यहां से वेवलेट चलेगी ऐसे, ऐसे यहां से वेवलेट, यहां से वेवलेट, यहां से वेवलेट, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्सों से सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं, और उन सेकेंडरी वेवलेट्स की इंटरफेरेंस होती है तो स्क्रीन पे मैक्सिमा या मिनिमा बनता है। यानी इसमें एक स्लिट, एक सोर्स और एक ही सोर्स से अलग अलग वेवलेट्स निकलती हैं, उन वेवलेट्स के सुपर पोजिशन पे क्या बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, राइट। तो इसमें ये अंतर है बच्चे। तो सिंगल सोर्स इज यूज्ड एंड सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम सिंगल वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम सिंगल वेव फ्रंट कॉजेज द डिफ्रैक्शन, कॉजेज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। बहुत सिंपल, इसमें दो सोर्सेस से S1, S2, उनसे दो वेव्स निकली, उनका इंटरमिक्सिंग हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। यहां पे एक ही स्लिट है, एक स्लिट के अंदर एक वेव फ्रंट अगर ट्रैप हुआ, फंस गया, और इस वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स थे जहां से सेकेंडरी डिस्टर्बेंस चालू हुआ, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, ये वाले जो मैंने आर्क बना रखे, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स आपस में इंटरफेयर करते हैं। यानी कि डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस। ये जो है ना, ये इसी का एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस ऐसा हम बोल सकते हैं। इसमें दो सोर्सेज, इसमें एक ही सोर्स है, और एक ही सोर्स के अंदर जो वेव फ्रंट ट्रैप हुआ है, उस वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्सों से जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनी है, उन सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपर पोजिशन का रिजल्ट है डिफ्रैक्शन, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। तो बेटा ये बात हो गई इसके अंदर। दूसरी बात, ऑल ब्राइट आर फुली ब्राइट एंड डार्क्स आर फुली डार्क। बट इसके अंदर इन सेंटर वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा एंड अदर मैक्सिमा आर नॉट एज ब्राइट एज सेंट्रल मैक्सिमा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर से दूर जाएंगे इंटेंसिटी घटती जाती है, राइट, इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। यानी यहां पे सारे के सारे जो मैक्सिमास है, दे आर नॉट इक्वली ब्राइट। सेंटर में सबसे ज्यादा चमकीला, ब्राइट, और अगल बगल वाले जो होंगे उनकी इंटेंसिटी, ब्राइट स्पॉट्स की, घटती जाएगी। एंड डार्क्स आर नॉट कंप्लीटली डार्क ऑल्सो। यहां पे डार्क इज नॉट फुली डार्क, यानी ब्राइट फुली ब्राइट नहीं, डार्क फुली डार्क नहीं, ये अजीब वगैरह पैटर्न। तीसरा इसके अंदर,
ऑल बैंड्स, ऑल बैंड्स, बैंड्स मतलब फ्रिंजेस, ठीक है, ऑल बैंड्स आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है, हेयर इट्स नॉट, इट्स नॉट देयर, हेयर इट्स नॉट देयर, अंग्रेजी मेरी कमाल की वैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हेयर सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ट्वाइस द एनी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, मुझे अंग्रेजी आती है लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करता, ठीक है, हेयर सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द एनी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि कोई भी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा है उसका दुगना होगा सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा की वेट कितनी है, टू लैम्डा बाय ए, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, बनाने को बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं लेकिन चौथा पॉइंट आखिरी पॉइंट होगा, यहां पे हमारे पास जो मैक्सिमा की कंडीशन थी, फॉर मैक्सिमा हमारे पास क्या कंडीशन थी बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन थी हमारे पास जो बना था, हमारे पास क्या बना था भाई, पाथ डिफरेंस वाज एन लैम्डा, एंड फॉर मिनिमा हमारे पास कंडीशन क्या थी, पाथ डिफरेंस पीडी स्टैंड फॉर पाथ डिफरेंस क्या थी भाई, 2n-1 λ/2, यही था। यहां गेम उल्टी है, यहां क्या था भाई, यहां पे फॉर मिनिमा मेरे पास फॉर्मूला था a sin थीटा, जो कि हमारा पाथ डिफरेंस है बच्चों, यहां पे ये था हमारा n लैम्डा, ठीक है, और फॉर मैक्सिमा रादर आई शुड से सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है जी, सेंट्रल मैक्सिमा तो एक ही बनेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं है, सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा उसमें जो पाथ डिफरेंस है दैट हैज टू बी 2n+1 λ/2, यही बनेगा 2n+1 λ/2, ठीक है, यहां 2n-1 λ/2, वहां पे 2n+1 λ/2 बनेगा, ये डिफरेंसेस है, यानी यहां जो मैक्सिमा का कंडीशन था यहां आके वो मिनिमा का कंडीशन बन गया डिफ्रैक्शन, ये अंतर है। तो इस तरह से बच्चे हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सेपरेट कर दिया, या उसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक दूसरे को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाकी आपके लिए मैं रिविजन के लिए छोड़ रहा हूं, इसको बार बार करो, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आई होप आप इसको समझ जाओगे आसानी से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वेव का कल तुम्हारा होगा डाउट सेशन, वेव ऑप्टिक्स का असाइनमेंट नंबर 1, उसका डाउट सेशन, ठीक है, एंड आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 2 सेंड करने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स नंबर 1 जो थी हमारी, वेव ऑप्टिक्स नंबर 1 उसकी कल डाउट सेशन है, ठीक है। चलो अब मैं ये रेज कर रहा हूं, अब बेटा आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख लो पहले, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है जी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सिलेबस, बट असल में इस टॉपिक की जो गहराई है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिलती है, या आप एमएससी लेवल पे जाओगे तब वहां आपको उसकी गहराई मिलती है, यहां पे इसको थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं, राइट, जहां पे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे उन फॉर्मूलाज के बेटा डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन जो है दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उनको समझने का मतलब ये है कि हम लोग उसमें 2 या 3 दिन खराब करेंगे, आई वुड से खराब करेंगे, बिकॉज उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम लाइट की वेवलेंथ को चेंज करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पे टेलीस्कोप पे क्या फर्क पड़ेगा, या हम लेंस का साइज छोटा बड़ा करते हैं तो उससे क्या असर पड़ेगा, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो मैंने अपने असाइनमेंट में कवर कर रखे हैं, ठीक है जी। तो इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, और किसी बुक में डेरिवेशन नहीं गिवन इस लेवल पे, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें रेलेज क्राइटेरियन यूज होता है, आपकी बुक में एक रेले क्राइटेरियन करके वर्ड लिखा रहता है जिसका खाली एक छोटा सा झलक दिया रहता है कि भाई ये इस चीज को
डिफाइन करता है दो लाइनों में, लेकिन वो दो लाइनों में नहीं है, वो कम से कम चार या पांच पेज का टॉपिक है, तो वो इस लेवल पे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन वो है बहुत डिटेल में। वो आप जब लेवल बढ़ेगा आपका, ग्रेजुएशन पे जाओगे, तो अपने आप आपको वहां पे चीजें पता लग जाएंगी, राइट। अभी फिलहाल समझेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। अभी ये वर्ड्स मुझे बताने की जरूरत नहीं कि माइक्रो और टेलीस्कोप क्या होते हैं। माइक्रो मतलब जो छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट यानी कि जो नेकेड आई से ना दिखे उसको हम लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टेलीस्कोप जो बड़े ऑब्जेक्ट है लेकिन बहुत दूर पड़े हैं, जिसकी वजह दूर होने की वजह से हमें वो छोटे दिखते हैं, उनको पास में लाके हमें दिखाते हैं, राइट। तो ये छोटी चीज को बड़ा करता है और ये दूर की चीज को पास ले आता है। ये छोटी चीज को बड़ा नहीं करता, टेलीस्कोप दूर की चीज को पास ले आता है और ये छोटी चीज को बड़ा करता है। ये अंतर है दोनों में। ओके जी, अब ये बात तो अपने को क्लियर हो गई। आप लोगों ने कभी वर्ड सुना होगा जैसे मोबाइल फोन सारे जन चलाते हैं, और अगर हमें वीडियोग्राफी करनी होती है तो हम पहले कैमरे का रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि भाई कितने रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कि 1080x1920, ये एक स्टैंडर्ड HD डेफिनेशन होती है, या FHD बोलते हैं, फुल HD डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, फुल हाई डेफिनेशन। इससे लोअर जो होती है ना, समझ पा रहे हो, 1080p जिसको बोलते हो, 720 पिक्सल्स, 460 पिक्सल्स, 360 पिक्सल या 320 पिक्सल, व्हाटएवर, राइट। ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो। जैसे आप YouTube पे कोई गाना चलाते हो तो आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियो चाहिए, तो आप 1080p या आजकल तो 4K चल रहा है, 4K का जमाना है, तो आप 4K पे क्लिक करते हो, ठीक है, और आपको फुल क्लैरिटी दिखाई देती है। पिक्सल्स या रेजोल्यूशन मीन्स क्लैरिटी, रेजोल्यूशन मीन्स क्लैरिटी। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ द डिवाइस, कौन से डिवाइस, आइदर माइक्रो और टेली, तो एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू रिजॉल्व द इमेजेस ऑफ टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इट इज द एबिलिटी, यानी कि ये जो टर्म है ना रिजॉल्विंग पावर, ये एक डिवाइस की यानी ऑप्टिकल डिवाइस की या इंस्ट्रूमेंट की, आई शुड से, उसकी एक खूबी है, एबिलिटी है, उसकी एक काबिलियत है, जिसकी वजह से वो डिवाइस दो पास पड़े चीजों को क्लियरली दिखा पाता है आपको, या रिजॉल्व कर पाता है, उनकी इमेजेस को रिजॉल्व कर पाता है। अब इसको समझने के लिए एक टर्म बनी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसको समझ लेते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है ये? इट इज द, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद समझाता हूं। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी सीन separately, ठीक है जी। ये हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि ये एक डिस्टेंस है बिटवीन द टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट, जहां से उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेता हूं, इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आती है मेरे माइंड में। इमेजिन करो कि आप रोड पे खड़े हो, ठीक है, हाईवे पे खड़े हो, और आप किसी ट्रक या कार को देख रहे हो, और वो कार या ट्रक दूर से आ रही है, ठीक है, तो दूर से आ रही, तो आप, और रात का समय है, काफी दूर है, तो आप जो है क्या उस कार की आती हुई जो हेडलाइट है, अगर उसको गौर से देखो, तो क्या आपको वो दो हेडलाइट एक लाइट की तरह दिखती है? दूर से ऐसा लगता है कि भाई दो हेडलाइट नहीं, सिंगल हेडलाइट है, यानी कि दूर से आपको वो दो हेडलाइट्स कार की एक हेडलाइट के बराबर दिखती है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट इतने दूर है, लाइट के ऑब्जेक्ट जिनको आप देख रहे हो, तो वो आपको दोनों मर्ज होके दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है,
और आपको भुलेखा लगता है कि भाई वो तो कोई बाइकर आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, और यदि आपने वहां से अपनी टर्न नहीं ली या आप सही तरीके से जज नहीं कर पाए, ठीक है, गेम ओवर। और यही रीजन है एक्सीडेंट्स का रात के समय में, ठीक है, जो वन वे रोड्स होते हैं रात के समय में वहां एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं, वो यही रीजन है। इसीलिए हाईवे को हमेशा डिवाइडर के साथ में दो पार्ट में बांटते हैं। अगर सिंगल हाईवे बना दिया जाए, भले वाइड बना दो, लेकिन उसमें दूर से आने वाले जो कारें हैं, जो फोर व्हीलर्स हैं, उनकी जो डुअल हेडलाइट्स है, वो लगता है कि एक ही कार, एक ही मतलब मोटरसाइकिल आ रहा है, सिंगल लाइट की तरह अपीयर होती है, क्योंकि हमारी आंखें दूर से उन दो लाइट्स को सेपरेट नहीं देख पाती। ये हमारी आंखों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ये हमारी आंखों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारी आंखें 1 किलोमीटर दूर, यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और यहां पे कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनके बीच में यदि डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो बेटा मेरी आंखें इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख सकती है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट वहां दीवार पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और मैं उनको 1 किलोमीटर दूर से देखूं, तो मेरे को साफ साफ अकेले अकेले दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अगर मेरा डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया, या 3 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, तो मैं उन 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाऊंगा, या मैं उनको सिंगल सिंगल नहीं देख पाऊंगा, मैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी, मुझे लगेगा कि भाई वो दो नहीं बल्कि एक ही है। जैसे आप सोलर सिस्टम को देखो, छत पे खड़े होके ना रात में तारे देखना, आपको लगता है ना कि यार तारे बहुत पास पास में है, क्योंकि वो बहुत दूर है, बट वो तारे पास पास में नहीं है, दे आर मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। जो तारे आपको आकाश के अंदर अलग अलग पास पास दिखाई दे रहे हैं, बट रियलिटी में वो पास पास नहीं है, हो सकता है कि एक तारा यहां पर है और एक तारा उससे लाखों किलोमीटर पीछे हो सकता है लाखों किलोमीटर पीछे हो, या हो सकता है वो लाखों किलोमीटर इसके राइट में हो या लेफ्ट में हो, यानी कि पैरेलेक्स एरर आया था, इसको पैरेलेक्स बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। एंड आई होप आपको पैरेलेक्स वर्ड पता है, प्लस वन में बताया गया होगा। तो हमारी आंखें ना जो इतने दूर ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाती, हमें लगता है कि भाई वो दो नहीं बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट है। तो वो मिनिमम कितना डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है O1, और ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है, इसको मैंने O2 बोला, इन ऑब्जेक्ट के बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस D मिनिमम कितना है, सो दैट मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा हूं अकेले अकेले। दैट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्लियर है बात? अब मैं अगर बोर्ड पे यहां पे दो ऐसे बिंदु लगा देता हूं, दो डॉट्स लगा दिए मैंने, ठीक है, अब ये दो डॉट्स जो है ना, नो डाउट मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि भाई ये दो डॉट, ये डॉट नंबर वन है, डॉट नंबर टू है, वन एंड टू मैं देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं दूर चले जाऊं, दूर जाऊंगा, तो मेरे को ये दो डॉट नहीं बल्कि एक ही डॉट नजर आएगा, यानी कि इनके बीच की। और अगर मेरे पास में कोई ऐसा डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, लाइक माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास है, अब मैं इसको देखता हूं, तो मेरे को ये ना इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, ऐसे इतने बड़े बड़े, यही चीजें बड़ी मैग्नीफाई होके, और मुझे लगता है कि भाई नाउ दे आर हैविंग सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट जहां से उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। और बच्चों, ये जो हमारे पास में टर्म है, ये टर्म है रिजॉल्विंग पावर, जो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी डिवाइस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इट इज इक्वल टू 1/ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर किसी डिवाइस की वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि किसी डिवाइस की अगर रिजॉल्विंग पावर हाई है तो उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। क्या मतलब, इस बात का मतलब क्या है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितना बेटा कम से कम डिस्टेंस होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, कम से कम डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो भाई कोई तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये डी जितना कम होगा, जैसे अब ये मेरे पास में दो डॉट्स हैं, ये दो डॉट्स हैं 1 एंड 2,
और एक डॉट मैंने ये बनाया है, एक शायद जो कैमरा पे देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन शायद वो इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज ना कर पाए, ठीक है, ये डी मान लो तुम्हारे पास में है 4 सेंटीमीटर, ठीक है डी, और यहां पे डी जो है मेरे पास में है 1 सेंटीमीटर, ठीक क्लियर है। अब यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसमें कम है, इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, मतलब कि इसमें अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है तो आपको इनकी इमेजेस को क्लियर देखने के लिए हाई रिजोल्विंग पावर वाला डिवाइस चाहिए। जितने ऑब्जेक्ट्स पास पास में होंगे आपको उनको क्लियर देखने के लिए एक हाई रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे हाथों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, ठीक है, तुम्हारे हाथों में इससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि तुम हाथ नहीं धोते। तो इसमें जो बैक्टीरियाज हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो तभी आपको दिखाई देते हैं, और वो सिंगल दिखाई देते हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्लाइड में क्या करते हो, स्लाइड में एक बोन हम लोग गिरा देते हैं, एक ड्रॉप ऑफ कर्ड चलो हमने उसके ऊपर गिरा दी, जो हमने ड्रॉप ऑफ कर्ड गिरा दी है नेकेड आई से तो हमें उसमें कुछ दिख नहीं रहा, ना कोई बेसलेस दिख रहा है, ना कोई रेडिश कोला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमें अकेले अकेले कीड़े मकोड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं, बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, विच आर गुड फॉर आर स्टमक, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। तो वो जो अब देखो कर्ड के अंदर तो उतनी छोटी सी स्लाइड के अंदर वो कर्ड हमने एक बूंद गिराया उसका, उसके अंदर वो सारा कुछ है जो हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन नेकेड आई से वो नहीं दिख रहा, क्योंकि नेकेड आई से हमारी जो रेजोल्यूशन है वो उतनी फाइन नहीं है, हमारी रिजोल्विंग पावर आंखों की उतनी अच्छी नहीं है। बट अगर हम एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो हम उन पास पास या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सिंगल देख पाते हैं, यानी कि इसमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है, LOR लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है इसमें, तो इसमें जो डिवाइस चाहिए आपको, उस आपको डिवाइस चाहिए वो कम रिजोल्विंग पावर वाला भी है तो चलेगा, लेकिन अगर ये डिस्टेंस इनके बीच में बहुत छोटा है तो आपको यहाँ पे हल्के फुल्के रिजोल्विंग पावर वाले डिवाइस से काम नहीं चलेगा आपका, आपको एक तगड़ा रिजोल्विंग पावर वाला डिवाइस चाहिए, सिंपल। अब जैसे हाथ की लकीरें पड़नी है ना, हाथ की लकीरें पड़नी, लकीरें मोटी मोटी है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लासेज ओके, सिंपल माइक्रोस्कोपिज ओके, लेकिन हाथ में अगर हमने बैक्टीरिया देखने जो कि बहुत छोटे हैं और बहुत पास पास में है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से बात नहीं बनेगी, फिर आपको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका रिजोल्विंग पावर काफी हाई है, क्योंकि अभी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है बैक्टीरिया के लिए। रिलेट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो रिलेट? अच्छा, तो रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है क्या, और उसके बेस पर रिजोल्विंग पावर बता दूंगा आपको। देखो बेटा, फॉर माइक्रोस्कोप बात कर रहा हूं मैं, फॉर माइक्रोस्कोप बेटा, माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा, योर ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, थोड़ा अगर मैं बताऊं आपको याद होगा ना, माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव करके कोई चीज होती है जो आपने कभी पढ़ी थी है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहां कहीं पे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, टाइनी ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको देख रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को, ये मेरा माइक्रोस्कोप है, ये यहां ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है यहां कहीं पे, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लोज है। कभी भी देखना बायोलैब के अंदर हम स्लाइड के बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं माइक्रोस्कोप को, स्लाइड को एग्जामिन करने के लिए, तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव है माइक्रोस्कोप का, जो ऑब्जेक्ट काफी क्लोज है और इनके बीच में कुछ मीडियम है, चलो मान लेते हैं एयर है या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, एनी मीडियम, एयर या वैक्यूम और एनी अदर मीडियम इट कुड बी, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं, म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट से दो रेस निकालता हूं मैं, एक रे मैंने ये निकाली और एक रे ये निकाली, मतलब ये मेरे पास में अगर मैं नीचे से ऐसे देखूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरे ऊपर ये माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप का जो लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, वो ऐसे राउंड में दिखेगा मुझे,
यानी यहां से मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे ऐसे लाइट निकलेगी, ऐसे मतलब एक कोन बनेगा, कोन बनेगा, तो ये लाइट कोन बन रहा है बेसिकली ऐसे। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये माइक्रोस्कोप का डायमीटर है, तो ये लाइट ऐसे लेंस पे पड़ रही है, कोन बन रहा है एक, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा मान लेता हूँ, ये भी एंगल थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, इसको हम कोन एंगल बोल देते हैं। तो कोन एंगल मेरा यहाँ पे है टू थीटा, कोन का एंगल टू थीटा बन रहा है। अब ये लाइट रेस ये ऐसे निकल गई लेंस के थ्रू, और यहां से हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। आगे यहाँ पे एक और लेंस लगा रहता है, आईपीस लेंस वगैरह है ना, वो सारा कुछ पता ही आपको, थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने, ओके। तो बेटा यहाँ पे ऐसा देखा गया, और जो लाइट यहां से निकल रही है, तो लाइट है, लाइट उसका वेवलेंथ है लैम्डा, लाइट वेवलेंथ इज लैम्डा। तो बेटा अब मैं आपको एक फार्मूला लिखूंगा, उसका डेरिवेशन हमने नहीं करना, क्योंकि वो डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स। मैंने शुरू में बोल दिया था लेक्चर के कि कुछ चीजों का डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्टेज है, और दूसरा थोड़ा हाई लेवल पे चला जाएगा काम, ठीक है। और अगर मैं कराऊंगा अभी 2-3 दिन लगा के, तो आप बोलोगे सर हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, डेरिवेशन छोड़ो, ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल चीज है। तो फॉर माइक्रोस्कोप जो हमारे पास बच्चे डी है, यहाँ पे डी क्या है बेटा मेरा, डी इज दी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। डी क्या है मेरा बेटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है डी, इट इज बेसिकली इक्वल टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो डी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 μ sin θ। ये बेटा फॉर्मूला है फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि डी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड द हाफ ऑफ कोन एंगल। जो भी कोन एंगल है उसका हाफ, 2θ हमारा कोन एंगल है, और उस कोन एंगल का हाफ, ठीक है। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए रेलेस क्राइटेरियन स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव होता है, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स अगेन आई वुड से, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला खाली डाइजेस्ट करो, देखो, ऑब्जर्व करो, डाइजेस्ट करो, याद करो, जो भी करना करो, राइट, और इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं। तो ये डी मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा रिजोल्विंग पावर होगा, रिजोल्विंग पावर जो होगा डिवाइस का, वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा 1/ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि 1/ डी बनेगा, यानी ये फॉर्मूला बना बेटा मेरा 2 μ sin θ डिवाइडेड बाय द लैम्डा। तो बेटा जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली इक्वल टू 2 μ sin θ अपॉन द लैम्डा। अब यहां से सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सपोज करो यहां पे आपको मैं ऐसा मीडियम डाल देता हूं, अभी पहले एयर में है, ऑब्जेक्ट एयर में रखा गया, और ये डिस्टेंस फिक्स है, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, पहले एयर में इसको एग्जामिन किया गया, लैम्डा सेम था, लैम्डा मान लेते हैं कि रेड लाइट यूज कर रहे थे, रेड लाइट यूज कर रहे थे। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर मीडियम बदल दिया, यानी कि अब मैंने यहाँ पे कोई वॉटरी या कोई फ्लूड मीडियम डाल दिया, ठीक है, ये लेंस है हमारा, राइट, और यहां ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहां पे कोई ये डेंसर मीडियम हो गया, पहले यहां पे रेयर मीडियम था सिंपली, अब मैंने कोई यहां पे डेंसर मीडियम रख दिया, यानी कि नाउ द म्यू हैज इंक्रीज्ड, यहां पे म्यू बढ़ा दिया मैंने, तो रिजोल्विंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं फॉर्मूले के बेस के ऊपर, जितना हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उतना रिजोल्विंग पावर भी ज्यादा उतना रिजोल्विंग पावर भी बच्चे ज्यादा हो जाएगा, and the shorter wavelength we used, better is the resolving power. कभी अगर आप बैंक जाने का मौका मिले, आप में से कोई बैंक में भर्ती हो जाए और कैशियर लग जाओ, खुदा ना खास्ता, तो कैशियर लोग जो होते हैं वो नोटों को चेक करने के लिए एक यूवी मशीन रखते हैं, तो जो नोट्स के ऊपर जो हिडन हिस्टोग्राम्स आई वुड से, या नोट्स के ऊपर जो हिडन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वो नीले लाइट में नोट को डालते हैं, नीला लाइट रखते हैं, एक रूम होता है जिसमें नीली लाइट लगी होती है, ब्लू लाइट होती है, उस लाइट के अंदर उसको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, बेटर वुड बी द रिजॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द डिवाइस थ्रू विच इट वुड बी स्कैन, जिस डिवाइस के थ्रू उसको स्कैन करेंगे, स्कैनर होता है बेसिकली, एक ब्लू लाइट थ्रो करते हैं लेंस के ऊपर, और ब्लू लाइट को थ्रो करते ही लेंस नोट के ऊपर जितने भी सिक्योरिटी मार्क्स होते हैं वो सारे
चमक उठते हैं। जैसे वो चमकते हैं और यहां से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको देखते हैं कि भाई वो सारे सिक्योरिटी फीचर एज इट इज है या नहीं है, जो प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए, जो गवर्नमेंट देती है, यानी कि जाली नोट और असली नोट में फर्क वहां पे क्लियरली उस मशीन के थ्रू पता लग जाता है। शॉर्टर वेवलेंथ बेटर रिजॉल्विंग एबिलिटी, क्लियर है? मैंने ब्लू बोला, असल में वायलेट लाइट यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। बट वायलेट लाइट के जो सेटअप्स होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो वो आम बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। वो करोड़ों में सेटअप्स होते हैं नोट एग्जामिन करने वाले, तो वो छोटे मोटे बैंकों में भी नहीं होता, वो आरबीआई में जनरली होता है या फिर जो हेड ब्रांचेस होती हैं उनमें होता है। एक जैसे एक पूरे पंजाब में या पूरे सिटी में एक हेड ब्रांच होगी, पीएनबी जैसे हेड ब्रांच है फॉर एग्जांपल, वहां पे होगा वो मशीन चेक करने के लिए। बाकी छोटी मोटी ब्रांचेस में तो चला दो, अगर पकड़े गए तो तगड़ी जेल है इसकी, तगड़ा जुर्माना है। मेरे साथ ऐसा केस हो गया था एक बार, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था किसी बच्चे ने फीस दी थी और मैंने इकट्ठे किए हुए थे, मैं जमा कराने गया तो वो जो है उसमें से 1000 का नोट चलता था उन दिनों में, वो गुलाबी रंग का जो बड़ा सा था, ठीक है। नोट तो वो था, आजकल तो नोटों की कोई ग्रेस ही नहीं रहेगी। तो वो जाते ही उसने मतलब नोट काफी सारे थे, ठीक है, करते करते उसने मतलब उनका टच ही कुछ ऐसा होता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत बोला कि सर ये नकली नोट है। फिर मैंने देखा, मेरे को तब भी ना पता लगे, मतलब इतनी सफाई से उस नोट को डेवलप किया गया था, सील सूल सब कुछ थी उसके अंदर, लेकिन वो सील असली नहीं थी, वो खाली यूवी लैंप के अंदर ही उसको जजमेंट उसकी हो सकती थी। लेकिन अगले ने क्या किया, अगले ना उसका ट्रिक होता है कि नोट को ना वो ऐसे करके ना झटकते हैं एक बार, तो नोट में ना एक खड़खड़ की आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड आती है, वो क्रैकिंग साउंड नहीं आ रही थी उसके अंदर। और उसने दूसरा ओरिजिनल नोट लेकर आए, मैं मानने को तैयार नहीं था, तो उसने नया दूसरा नोट निकाला और उसने फिर जब कंपेयर किया ना, तब मेरे को फर्क पता लगा कि हाँ यार तो काम गड़बड़ हो गया। वैसे दूर से देखने में कुछ पता नहीं लग रहा था, तो उसने मेरे को वापस किया, कहते आइंदा से ऐसे मत करना नहीं तो आपके ऊपर केस, आपको जेल होती है। तब मेरे को पता लगा। और फिर मैंने क्या किया, पेट्रोल पंप पे आया, ठीक है, और मैं बैंक में मारने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अब था तो था। चलो एनीवे दिस पार्ट वुड बी डिलीटेड, ओके। सो ये हमारे पास बचे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर है, और ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि कौन सी लाइट के लिए या किस मीडियम के लिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब अगली टर्म आती बचे हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई टेलीस्कोप क्या है, ठीक है। आज मैं तुमको यही करा के छोड़ दूंगा, कल से हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बीच डालने शुरू करने का फायदा होगा उसका, राइट। फॉर टेलीस्कोप जो है, पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, LOR मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कि रिजॉल्व करने की लिमिट क्या है, ठीक है। वहां हमने क्या लिखा था, वहां हमने डिस्टेंस लिखा था। अब टेलीस्कोप का पर्पस क्या है, दूर की चीजों को पास लाना। अब दूर मतलब कि हमारे सिलेबस में जो ये टेलीस्कोप है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि हेवनली बॉडीज को देखने के लिए यूज होता है। ये जो है 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस को देखने वाला टेलीस्कोप नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब हो गया कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, उनको देखने के लिए ये टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये टेलीस्कोप है हमारा, और ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर काफी बड़ा रहता है, ये आपको भी पता होगा, ये इसका डायमीटर डी होगा, डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है बच्चे। ओके okay.
यस बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। चलो एनीवे, तो इसमें टेलीस्कोप की हम बात कर रहे हैं बच्चे, इसका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है हमारे पास, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज बेसिकली इसका जो बच्चे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या चीज है। देखो हमने यहां पे क्या डिफाइन किया था, इट वाज मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच द टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन वेरी क्लियरली। ओके, ये था हमारे पास में टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के लिए। बट टेलीस्कोप में क्या है, टेलीस्कोप में ये डिस्टेंस नहीं होता, टेलीस्कोप में ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। जैसे टेलीस्कोप का काम क्या है, दो स्टार्स को देखना। मान लो दो स्टार्स है, राइट, यहां पे एक स्टार है, राइट, इस तरह से, और एक स्टार यहां पे है, S1 और S2, दो स्टार से जो कि बहुत दूर है। अब एक स्टार ने यहां पे कुछ एंगल बनाना है, इसको हम O मान लेते हैं, और दूसरे स्टार से भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी, वो भी यहां पे आएगी, तो इन दोनों स्टार्स ने कुछ यहां पे एंगल सबटेंड करना है। किस पे? अल्फा, याद आ रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन टू द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये दो स्टार्स है, ये कुछ एंगल यहां पे बना रही है, उसको मैं यहां पे डी थीटा बोल देता हूं। एंड डेफिनेटली बात है, ये जितने पास पास होंगे स्टार्स उतना छोटा एंगल बनाएंगे भाई, जितना ये पास पास होंगे उतना, मतलब ये इतने पास में है, अगर ये बिल्कुल पास पास में तो ये एंगल और भी छोटा बनेगा, और जितना दूर दूर होंगे एंगल उतना बड़ा बनेगा। भाई ये इतना दूर है दो ऑब्जेक्ट, तो ये इतना बड़ा एंगल बनाएगी, और बिल्कुल पास पास में छोटा एंगल बनाएगी, नेचुरल सी बात है। तो ये एंगल डी थीटा है यहां पे, यही है हमारा यहां पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे वर्ड चेंज कर रहा हूं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहे हैं, बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट विच they can be seen separately, ठीक है? It is the minimum, I would say यहाँ पे minimum angular separation between the two distant object at which they can be seen clearly. और बेटा ये जो होता है d theta, ये directly proportional to lambda use and inversely proportional to the diameter of the objective. ये formula है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहां पे डी थीटा है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन छोटा होगा। ठीक है, तो यहां से बेटा हम एक कांस्टेंट लगाते हैं डी थीटा, व्हिच इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। 1.22 यहां पे एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, मैं फिर से बोलूंगा इसकी डेरिवेशन में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो काफी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे 1.22 आता है, कुछ बच्चों को मन रहा होगा सर ये 1.2t कहाँ से आ गया, तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है इस लेवल पे, सीधी बात है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए तो हमें बच्चे एक न्यूटन रिंग होती है उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, विच इज इन डीएससी सेकंड ईयर। एक रिंग बनती है जिसको हम अगर बताऊंगा तुमको, दैट इज द फेयर इज रिंग, न्यूटन रिंग। ये सारे रिंग्स को पढ़ते हैं तो वहां से हमें जो है ये सब कॉन्स्टेंट्स के बारे में पता लगता है, यानी कि प्रॉपर थ्योरी आगे चल के आएगी। ऐसा नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर है लेकिन इस लेवल पे नहीं है, हमारे कोई पर्पस का नहीं है, वो चीज हमें उलझा देगी, क्योंकि वो आधी अधूरी बात वाली बात हो जाएगी ना, कि आधा यहां उठाया आधा वहां उठाया, तो
जब ग्रेजुएशन में जाते हो तो पहले लेवल 1 बीएससी फर्स्ट ईयर करोगे, फर्स्ट ईयर के जो कॉन्सेप्ट्स हमें सेकंड ईयर में यूज होंगे, राइट। तो एक लेवल बना हुआ है। अब हम डायरेक्टली अपनी टॉपिक हमारे सिलेबस पे थे माइक्रो और टेलीस्कोप, तो उनके साथ एक जुड़ी हुई टर्म है रिजोल्यूशन पावर, तो थोड़ा बहुत बच्चों को बताया जाता है यहाँ पे एनसीईआरटी के लिए भी थोड़ा सा इनको बता दो कि है क्या चीज, तो थोड़ा बहुत तो समझ आ जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया इसकी एक्सप्लेनेशन आगे हाई लेवल पे आती है। तो टेंशन ले नहीं, ये फॉर्मूला याद करना है। तो लैम्डा हाई दिस वुड बी हाई, डी हाई दिस वुड बी लो। तो बेटा हमारा जो अब हमको मालूम जो रिजोल्विंग पावर होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, LOR लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यानी कि रिजोल्विंग पावर हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, इट वुड बी डी डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। लो जी आ गया फॉर्मूला फॉर द टेलीस्कोप, यानी जितना बड़ा डायमीटर होगा टेलीस्कोपिक लेंस का, यानी जितने बड़े लेंस वाला टेलीस्कोप होगा वो उतना बेटर रिजोल्विंग पावर होगी उसकी। और ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूं कि टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों रखते हैं, टू हैव द मैक्सिमम गैदरिंग लाइट गैदरिंग एबिलिटी, मोर लाइट इट विल बी कैप्चरिंग मोर बेटर वुड बी इट्स रेजोल्यूशन, या मोर बेटर वुड बी इट्स रिजोल्विंग एबिलिटी। जो ऑब्जेक्ट दूर है वो बेटा उनकी जो लाइट हम तक पहुंचती है वो काफी फेंट लाइट पहुंचती है। देखिए स्टार है, अब स्टार आपको काफी डिम दिखता है, इनफैक्ट कुछ स्टार तो हमें दिखाई भी नहीं देते, ठीक है, लेकिन क्या वो स्टार बिल्कुल डिम है? नो, कुछ स्टार तो जो है वो सन से बड़े हैं और उनकी जो लाइट है वो सन से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन वो हमें बिल्कुल फेंट दिखाई देते हैं। तो सोचो कि जब सन हमसे इतने दूर है उसके बावजूद भी वो ऐसी तैसी कर देता है हमारी गर्मियों के अंदर, ठीक है। तो स्टार्स उससे भी बड़े हैं, कुछ कुछ स्टार्स जैसे अल्फा सेंचुरी है, काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो उनकी अगर वो फेंट दिखाई दे रहे हैं मतलब कि वो कितने दूर होंगे, तो वो दूर है तो उनकी लाइट बहुत कम मात्रा में वहां तक पहुंचती है। तो हमें एक बड़े डायमीटर वाला टेलीस्कोप चाहिए जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करे, जितना मैक्सिमम लाइट कैप्चर कर लेगा टेलीस्कोप उतना बेटर वो आपको इमेज दिखा पाएगा, ठीक है। तो डी पे डिपेंड करती है इसके रिजोल्विंग पावर, क्लियर है बात, कोई डाउट? और लैम्डा के इनवर्स में हायर वेवलेंथ शॉर्टर दी रिजोल्विंग पावर, यानी लाल अगर रेड लाइट हम यूज करते हैं, ठीक है, तो कम रिजोल्विंग पावर हो जाएगी। और ये चीज आप घर में देख भी सकते हो, है ना, घर में क्या है कि दोनों रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स वहां पर रख दो, दो रेड एलईडीज रख दो और सेम डिस्टेंस में ना दो ब्लू एलईडीज रख दो, तो आप ना रेड एलईडीज को उसी डिस्टेंस से रिजोल्व नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि वो दो नहीं बल्कि एक ही रेड एलईडी है, हालांकि वहां पे जो वायलेट या ब्लू एलईडी होगी वो आप अकेले अकेले एलईडी को साफ साफ देख पाओगे। ये घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट और ये थ्योरी पूरी समझ में आ जाएगी, आपको यकीन होगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है, कर सकते हैं कि रेड लाइट के जो बल्ब्स हैं वो उतना बेटर, मतलब आपको लगेगा वो एक ही बल्ब है, असल में है तो, लेकिन वो रेड लाइट वाले आप प्रॉपर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट नीली लाइट वाले जो है आपको उतने ही डिस्टेंस से उसी लोकेशन से आपको दो सेपरेट से दिखाई दे जाएंगे क्योंकि बेटर रिजॉल्व हो जाएगा वो। तो नीला लाइट जो है या जो वायलेट लाइट है वो बेटर रिजॉल्व हो जाता है, रेड लाइट को रिजॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है, ये इसका जरूरी है, इसका कंसेप्ट है। एंड डन फॉर द डे, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, इसके आगे हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आएगा, यूनिट नंबर 7, ये खत्म, समझ लो बोझ खत्म हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मैंने शुरुआत में बोला था कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, उसको बहुत टाइम लगता है अगर ढंग से करोगे तो, और मैंने ढंग से कराया। और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, आगे एटम्स एंड न्यूक्लियस है, उनमें ज्यादा टाइम लगना, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हार्डली 5-6 दिन, ठीक है, ऐसे एटम एंड न्यूक्लियस 10-15 दिन, और आगे सर्वे लेटर है उसको भी चलो मान लो तुम 10 दिन लगा लो, यानी एक महीने काम है, यानी कि फरवरी एंड में खत्म, ठीक है, डन फॉर द डे।